आज थोड़े वास्ते कोठी लेके आया, फेसिंग पार्क हैगी है, बहुत ही अच्छा पार्क बनया हुआ है सामने, तुम देख सकते हो, और बहुत ही प्राइम लोकेशन दे विच कोठी अवेलेबल है दोस्तों। तो आज जॉगिंग ट्रैक है, बहुत ही बड़ा पार्क हैगा, तुम देख सकते हो दोस्तों। 33x70 साइज हैगा और बहुत ही प्राइम लोकेशन दे विच कोठी है। 33 फ्रंट है, 70 बैक हैगी है। फ्रंट लुक भी देख सकते हो, बहुत प्यारी फ्रंट लुक हैगी है। फेसिंग पार्क हैगी है कोठी दोस्तों। दोस्तों प्रॉपर वाटर सीवरेज कनेक्शन पे हुए हैं और प्रॉपर सड़क जी हैगी बनी हुई है। और अगर कोई लग्जरियस कोठी देख रहे हैं, ड्यूप्लेक्स कोठी देख रहे हैं, तो बहुत ही हाई क्वालिटी जी हैगी लग्जरियस कोठी है बनी हुई है। तो दोस्तों इतने भी बाहर गड्डी खड़ जाती बड़े आराम नाल, और अंदर भी एक कार लग जाती है जो कि थोनू दिखाना चाहवागा। बड़ी तो बड़ी कार लग जाती है साइड। इतने प्रॉपर ग्रेनाइट लग्या हुआ है और इतने 2-3 टू व्हीलरस ईजली लग जाते हैं। टॉप तक टाइलिंग हुई हुई है, तुम देख सकते हो। प्रॉपर जी है टाइलिंग्स हुई हुई है और उत्थे भी वुडन का जोड़ा है काम होया हुआ है दोस्तों। नीचे हर एक चीज़ में यूटिलाइज किया, मीटर बॉक्स देख सकते हो कितना बढ़िया बनाया है, एज वेल एज शू रैक भी बहुत प्यारा बनया हुआ है। 8 फुट के सारे स्टैंडर्ड दरवाजे है और प्रॉपर डिजाइनिंग की हुई है, टॉप तक जोड़ा है टाइलिंग की हुई है दोस्तों। हम दोस्तों आप अंदर चल के देखते हैं इस कोठी को। जिमें आप अंदर एंटर करते हैं, जिदे विच दो एंट्रेंस है कि एक सिटिंग एरिया आ जाता है, सिटिंग एरिया भी बहुत प्यारा बनया है। प्रॉपर उपर फॉल सीलिंग हुई है, तुम देख सकते हो, और फ्लोर लगन तो बाद बहुत प्यारा लग रहा है, और वॉलपेपर भी लग्या हुआ है, और पार्टीशन भी बहुत प्यारा बनया दोस्तों, तुम देख सकते हो। अगर मैं पार्टीशन दिखावा तो बहुत ही अच्छा बनया, बिच ग्लास लग जूगा तो प्राइवेसी हो जूगी। और दोस्तों उपर तक तुसी देख सकते हो, इतने एल शेप यू शेप आराम नाल सोफा लग जाता, प्रॉपर सनलाइट आ रही है, और वो जिहड़े ट्रीज है सारे पार्क हैगा। तो दोस्तों ये ड्यूपलैक्स हाउस हैगा, हुण आपां अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करन तों बाद दिखा दिंदा, किसी भी चीज़ काम च भी जिहड़ा हैगा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सामने ड्रैसिंग की ऑप्शन आ गई है, तुसी देख सकते हो, क्रॉकरी भी दी हुई है, सामने LED पैनल भी दिता, बड़ी तो बड़ी LED लग जाती है दोस्तों। सामने आ छोटी जी क्रॉकरी एक होर एक्स्ट्रा दी हुई है, उपर जिहड़े हैगे मिरर्स दिते हुए हैं, क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा काम होया हुआ है क्वालिटी दे विच। उपर भी तुसी देख सकते हो प्रॉपर जिहड़ा हैगा झूमर दिता हुआ है, बहुत ही लग्जरियस काम होया हुआ है दोस्तों। दोस्तों किचन भी काफ़ी बड़ी हैगी है, यू शेप दे विच किचन हैगी, तुसी देख सकते हो। ग्रे शेड दे विच किचन है, लाइट ते डार्क ग्रे शेड हैगा, पेंट्री भी दिती हुई है, मतलब स्टोरेज की कमी नहीं है। स्टोरेज अगर मैं थोनू गल दसांगा दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज हैगी है, तुसी जिहड़ी अपनी यूटिलाइज कर सकते हो चीज़ों, बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिती हुई है दोस्तों। बहुत सारे बॉक्सिज हैं, ट्रेज हैं, तुसी देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा बनया है कार, और नीचे लाइटिंग्स नाल बहुत प्यारा लग रहा दोस्तों। तो दोस्तों सैनिटरी फिटिंग सारी हुई हुई है, जैकवार की फिटिंग हैगी है, और बहुत सारे बॉक्सेस ऊपर दिते हुए हैं, छोटी छोटी लाइटिंग्स भी दीती हैं, जिन्हें बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है। और उस तो अलावा अगर मैं ऊपर निगाह मारा तो झूमर नाल बहुत प्यारा लग रहा है, आ ग्लासिस नाल लुक्स बहुत प्यारी लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये सी अपनी ड्राइंग रूम स्पेस, वो सिटिंग एरिया आ गया, आप इतों एंटर हुए थे इस जगह तो, वो सिटिंग एरिया आ गया, और ये सारा अपना ड्रेसिंग एरिया आ गया। आ लाइट्स पूरी जगरी हैगी है, और उपर जा रही है स्टेयर्स, ड्यूपलैक्स हाउस हैगा। तो दोस्तों ये पहला रूम आ गया, अटैच वॉशरूम, फुल साइज रूम हैगा, रूम साइज काफ़ी बड़े हैगे हैं, और वॉलपेपर भी लग्या हुआ है, और पिछे जिहड़ा हैगा दरवाजा भी दिता हुआ है। आ पिछला बेड़ा आ गया, तुम दिखा दिंदा, काफ़ी बड़ा बेड़ा हैगा, और पिछे प्रॉपर जी है टाइलिंग हुई हुई है, और पिछे भी जी है बॉक्सिस दिते हुए हैं दोस्तों। हर एक चीज़ नू यूटिलाइज किया, तुसी देखोगे इत्थे भी जिहड़े हैगे है सारी लाइट्स लगी हुई है, और LED पैनल भी काफ़ी बड़ा हैगा। मेरी हमेशा कोशिश होंगी मैं लाइव वीडियोज़ बनाता और थोड़े वास्ते बेस्ट टू बेस्ट चीज़ लेके आता। आ स्लाइडर कपबोर्ड्स है, प्रॉपर मैचिंग की हुई है अगर तुसी कंपेयर करोगे। तो दोस्तों
अंदर भी जी है कि ड्रैसिंग की ऑप्शन दी हुई है, इतने मिरर लगेगा और वह भी जरा है बॉक्सिस दिता हुआ है और अटैच आ गया है पहला वॉशरूम। वॉशरूम साइज ही तुम देख सकते हो काफ़ी बड़ा है और आ देख सकते हो तुम वैनिटी और सीट लगन तो बाद भी बहुत जगह बचे रही है दोस्तों। तो दोस्तों हुण आपां चलते हैं सैकेंड रूम के भी दिखा दिंदा, आपां जा रहे हैं सैकेंड रूम के सैकेंड रूम आ गया। सेम सैकेंड रूम बहुत प्यारा लग रहा लाइटिंग्स के नाल, फॉल सीलिंग सारी हैवी हुई है, LED पैनल बनया हुआ, पिछले डोर जा रहे हैं पिछले बेड़े नूं। पहला मैं थोनों वॉशरूम दिखा दिंदा, सेम वॉशरूम है, वैनिटी सीट लगन तो बाद काफ़ी जगह बच रही है दोस्तों, कम बहुत अच्छा होया है। प्लस थोनों दिखाना चाहवागा आ ड्रैसिंग की जी ऑप्शन हैगी है बहुत प्यारी हैगी है, काफ़ी नीचे भी बॉक्सिस दिते हुए हैं और इस जगह पर भी बॉक्सिस दिते हुए हैं, मिरर लग्या होया। और इस तो अलावा आ गया अपना सैकेंड रूम, तो दोस्तों कम च कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एक बार आके कोठी देखो, फेसिंग पार्क, कोई लग्जरीयस कोठी लग रही है ड्यूप्लैक्स अपने वास्ते, तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन हैगी है। आ देख सकते हो दोस्तों वो आई अपनी एंट्रेंस और ये आ गई अपनी क्रॉकरी स्टैंड, फिर अपना आ गया दोस्तों लाइटिंग्स दी हुई है, बड़ी किचन आ गई, 5-6 बंदे ईजली खड़ सकते हैं। आ डाइनिंग एरिया आ गया और ये दोस्तों आ गया अपना फिर LED पैनल आ गया बड़ा, और फिर आ गया तुसी देख सकते हो रूम अटैच, पहला वॉशरूम आ बनया हुआ और इस तो अलावा ये आ गया अपना दूसरा रूम अटैच वॉशरूम। हुण मैं थोड़ा बिना टाइम कंज्यूम किए आप फस्ट फ्लोर पर चलते हैं, मैं फस्ट फ्लोर भी दिखा दिंदा। जिवें आप उपर जा रहे हैं डबल मोल्डिंग स्टेयरस है, साइड्स से भी छोटी छोटी लाइट्स दिती हुई है और सब तो अच्छी गल है ये दो झूमर है, एक मैं दिखाया से उत्थे भी, एक इस साइड भी है, उपर प्रॉपर सनरूफ दी हुई है, उपरू प्रॉपर जी है सनलाइट भी नीचे आ रही है। तो दोस्तों कम च बहुत किसी तरह की भी मैं जिमें दस रहा बार बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होया, और आ देख सकते हो तुम बहुत प्यारा डिजाइनिंग है, उपर तक जी है बहुत हैवी डिजाइनिंग हुई हुई है। तो दोस्तों एक बार आके कोठी में जरूर देखियो और यदी जी आस्किंग जी है 2.48 है, बैठ के नैगोशिएबल है। जिमें आप फस्ट फ्लोर पर एंटर हो रहे हैं, आप फस्ट फ्लोर पर एंटर हो गए, तुम देख सकते हो झूमर नाल बहुत प्यारा लग रहा है, और सामने सिटिंग एरिया आ गया, इतने आराम नाल सिटिंग एरिया, सामने LED पैनल आ जाता है। आ पूजा घर भी बनाया, बहुत प्यारा बनाया पूजा घर, पूजा रूम बहुत प्यारा हैगा, तुम देख सकते हो आराम नाल 3-4 बंदे बैठ सकते हैं इजली। और जी मैं गल कर रहा किचन तो दिखा रहा है, एक झूमर आ भी दिता हुआ है, ग्लासिस नाल बहुत प्यारा लग रहा है, और इस साइड जी है उपर सनरूफ दिती हुई है दोस्तों। दोस्तों ये आ गई अपनी हुण थर्ड रूम, सेम हैवी फॉल सीलिंग हुई हुई है, वॉलपेपर लग्या हुआ है, और ये ड्रैसिंग की ऑप्शन दिती हुई है, तुसी देख सकते हो और ड्रैसिंग है सारी, साइड पर भी छोटे बॉक्सिस दिते हुए हैं, नीचे भी बॉक्सिस दिते हुए हैं दोस्तों। अटैच वॉशरूम आ गया, वॉशरूम साइज भी काफ़ी बड़ा है। दोस्तों मैनू सबसक्राइब लाइक करो, मेरे को 50,65,70,75,80,85,1 CR तक बहुत सारी कोठीज ते प्लॉट्स दी ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी फुल साइज कपबोर्ड्स बनी हुई है, स्लाइडर कपबोर्ड्स है, सब तो अच्छी गल है कि तुम देखोगे कि हर एक चीज़ में छोटी छोटी चीज़ में बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, बहुत अच्छी लाइट है, बिच डीयर दिता हुआ है और वॉलपेपर के नाल बहुत प्यारी लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये सीगा अपना थर्ड रूम, हुण आपां चलते हैं अगले रूम के। अगले रूम जाण तो पहले मैं थोनों एक चीज़ होर दिखांदा, आ गया दोस्तों फोर्थ रूम, तुसी देख सकते हो आ सेम उपर जी फॉल सीलिंग हुई हुई है, वॉलपेपर लगे, रूम साइज बहुत बड़ा है क्योंकि ये कपबोर्ड्स नहीं है, कपबोर्ड्स चली जाती है इस साइड थोड़ी। आ ड्रैसिंग की ऑप्शन आ गई, तुम देख सकते हो साइड पर भी जी है अलमीरा दिती हुई है, इस साइड जोड़ा है रूम की कपबोर्ड्स आ जाती है। और यह आ गया अपना फोर्थ वॉशरूम, वॉशरूम सारे दोनों जिन्हें भी मैं देख रहा सारे बड़े है और काफ़ी बड़े साइज जोड़े है वॉशरूम के दिते हुए हैं दोस्तों। आ फुल साइज वॉशरूम है, तुम देख सकते हो दोस्तों, और यह सी अपनी ड्रैसिंग की ऑप्शन, बिच कपबोर्ड भी दिती हुई है, एज वेल एज आज जो है जी नॉर्मल कपबोर्ड है इस साइड दिती हुई है, जिसके कारण ये रूम जोड़ा है काफ़ी स्पेस निकल जाती है फोर्थ रूम की। फोर्थ रूम की एक एडवांटेज होर है,
कि सामने पार्क आ जाता है, जिवें मैं तुहानू दिखा रहा सीगा, सारी पार्क हैगी है, आप बालकोनी आ गई है, सिटिंग एरिया आ गया, सिटिंग एरिया भी सारा लग्जरीअस हैगा, तुसीं देख सकते हो, इत्थे आराम नाल बैठ के चाय पानी कॉफ़ी लै सकते हैं। और ये आ गया अपना प्रॉपर पार्क आ गया, जिवें कि मैं तुहानू दस्या सीगा दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन दे विच ये घर बनया होया दोस्तों, टॉप तक जिहड़ी हैगी है प्रॉपर वुडन होया होया है, और प्रॉपर जिहड़ी हैगी है टाइलिंग हुई हुई है। तो यह सीगा अपना फोर्थ रूम। और दोस्तों ये अपनी आई इतों एंट्रेंस आई, वो आ गया थर्ड रूम अटैच वॉशरूम, और ये भी जिहड़ा हैगा झूमर लग्या होया है, और ये आ गया अपना पूजा रूम, और ये आ गया अपना फोर्थ रूम, और यदा व्यू जिहड़ा हैगा बाहर गार्डन का व्यू है, और इधर आ गई कपबोर्ड्स, वो आ गया फोर्थ वॉशरूम। हुण दोस्तों फस्ट फ्लोर दे विच एक चीज़ होर ऐड है, वह भी तुहानू दिखा दिंदा, आ गया स्टोर, प्रॉपर डोर लग्या होया स्टोर, या इहनू छोटी जी जगह यूटिलाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और ये सीगी अपनी मेन जिवें कि फस्ट फ्लोर की एंट्रेंस, तो पिछला बेड़ा भी बनया होया तुसीं देख सकते हो, आ स्टेयर जा रही उपर नू, इत्थे भी तुसीं बैठ सकते हो, सर्दियों के विच प्रॉपर सनलाइट आ रही है, इत्थे गमले वगैरह रख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सीगे टोटल जिहड़े हैगे आ फोर रूम सैट हैगे आ, और स्टोर की भी ऑप्शन हैगी है, मंदिर की भी ऑप्शन हैगी है, और बहुत ही अच्छा घर बनया है, लग्जरीअस घर बनया है, फेसिंग पार्क हैगा। अगर कोई इस घर बारे होर जानकारी लेना चाहता है मैनू कॉल करियो 7986051479 ते। उम्मीद करदा मेरी वीडियो थोनू पसंद आई होगी, आपां फिर मिलते एक नवी वीडियो नाल, इस वीडियो नू देखने लई थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद जी।